दीप्ति कहाँ? यार मानसी को डिजाइन्स देने, पहले ये काम हम लोग मिलकर करते थे, सबका सब मेरे सर पर आ गया। ब्रीफ क्या है? ब्रीफ इस प्रॉपर्टी के लेआउट पर एक आलीशान मल्टी स्टोरीड होटल कम रेजिडेंस बनाना है। अश्विनी ये प्रॉपर्टी, इसकी कोई डिटेल्स है तुम्हारे पास? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है। पर क्यों? ये प्लान, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये लेआउट हमारी चौल से मिलता जुलता नहीं लगता। तुम इसे ध्यान से देखो, ये देखो हमारा आंगन, ये फॉल, ये एलिवेशन, ये परफेक्ट मेजरमेंट्स। हाँ हो सकता है किसी चौल का लेआउट हो, पूरा लोअर परेल जो है वो चौल को डेवलप करके बनाया गया है, और सारी चौल के जो लेआउट होता है वो सिमिलर ही होता है। उसका ये मतलब नहीं है ना कि ये बापोदरा चौल का लेआउट हो। हाँ हो सकता है। गॉड आई पैनिक फॉर अ मोमेंट, आई चेक इट आउट। हाँ दीप्ति, मैं पूछना ही भूल गया, तुम्हारे इंटरव्यू पे कोई अपडेट? कहाँ, बस इंतजार कर रही हूँ, आई होप काम बन जाए। काफी अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके, रियल एस्टेट कंपनी जोर शोर से इन्वेस्टमेंट कर रही है, काम मिला तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, वेल नोन भी है, इट्स जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज। जननी ग्रुप हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस मार्केट में, और मुझे पता है कि वो काफी अग्रेसिवली रियल एस्टेट बाय करते हैं फॉर रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की भनक तक नहीं लगनी चाहिए उन्हें। दीप्ति काफी देर हो गई, सो जाते हैं, ये काम कभी और कर लेंगे। मैं अब भी तुम्हारी बॉस, याद रहे? यस मैम। ऐसा सोचकर भी बुरा लगता है, बट आई रियली होप दीप्ति कोई नौकरी ना मिले। अगर उसने जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर लिया तो बहुत अजीब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने कुछ सोचा है उसकी नोट से। ये लिस्ट है जितने भी ओल्ड एज होम्स है उसकी, और सरन सर ने जितने भी देखे हैं उसके अलावा, और मतलब मैंने भी कुछ आइडियाज नोट डाउन किया, यू कैन हैव अ लुक। पुष्पा जी, स्कूल तो खत्म हो गए, घर नहीं गई आप? जा ही रही थी सर, वो सैम से नोट्स ले रही थी। जाने के लिए निकली तो राशि और आर्यन को कैंटीन में साथ बैठे हुए देखा। सर, उन दोनों शैतानों को एक ही काम में लगा दिया मैंने, एडॉप्ट अ पेरेंट प्रोजेक्ट के लिए साइट विजिट पे भी ले जा रहा हूँ। सर अगर आगे कोई लफड़ा हुआ उन दोनों के बीच में तो वो प्रबोध भारद्वाज सर हंगामा कर देगा। पुष्पा जी, उस डर की वजह से इनकी दुश्मनी पनपने तो नहीं दे सकते ना? वो तो है। तुम दोनों को साथ में काम इसलिए करवा रहा हूं ताकि कल को शायद उनके बीच दोस्ती हो। अलग अलग ओल्ड एज होम्स में जाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि जिंदगी में कितने बड़े संघर्ष होते हैं, थोड़े से प्यार और थोड़े से वार्म के लिए लोग कितना तरसते हैं, तब शायद उन्हें रियलाइज हो
कि बुलिंग जैसी चीजें कितने मामूली और कितने वाहियात न्यूज़ेंसेस हैं। ये प्रोजेक्ट आपके दिल के बहुत करीब है ना सर? है। अपने माँ बाप को खोने के बाद बुजुर्गों के साथ काफी करीब से काम कर चुका हूं मैं। बस यूं समझ लीजिए कि उनके दुख दर्द समझता हूँ। इनफैक्ट हाल ही में लोनावला के पास एक ओल्ड एज होम है, वहां गया था। अभी अभी एक औरत आई है वहां, अपने परिवार के बर्ताव के कारण बेचारी इतने सदमे में है कि अपना नाम तक ठीक से बोल नहीं पा रही। नाम क्या है आपका? कहाँ से हैं? और यहाँ कैसे हैं? कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। एक हम है जो आज भी अपने माँ बापू जी की एक झलक को तरसते हैं, और लोग जीते जी उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। पढ़ाई मत से पुष्पा जी, राशि के इस आइडिया के कारण मैं फिर से एक बार एनर्जाइज हुआ हूँ कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए। अंकल ये पटोड़ा मुझे चाहिए, आप प्लीज इसे साइड पे रख दीजिए। अश्विन ये महंगा है। ये महंगा नहीं, अनमोल है। ये मेरी मम्मी का अतिथि थी। मम्मी ने नाना जी के साथ मिलकर इसे अपने हाथों से बुना था। जैसी साड़ी है बिल्कुल वैसा ही मटेरियल लेकर उसे उल्टी तरह से ऐसे रफू किया जा सकता कि पता ही ना चले कि पैच लगा है। This looks doable, पर ये तो पटोड़ा है, इसका पैच कहां से मिलेगा? इसे तो हैंडलूम पर ही फीव करके रिपेयर करना पड़ेगा। और तो सारी दुनिया की खुशी तूने मुझे खरीद के दे दिया उसने, इससे अच्छी भेंट नहीं हो सकती कोई भी, न मेरे लिए और न दीप्ति के लिए। राधा काकू, अगर आप यहां होती तो लिपट कर रो लेती आपके पास। जो नुकसान हुआ है वो चीज भी अमूल्य है, और जिसने नुकसान किया है वो व्यक्ति भी अमूल्य है। इसमें किसे क्या बोलूं? क्यों, तो हमारे साथ पुणे नहीं आ रही है? नहीं नहीं आजी, मुझे तो हॉस्टल पहुंचना है ना, असाइनमेंट है। बाय आजी, ध्यान रखना। बाय मॉम।
बाय डैन। का? अरे हम लोग तो कुछ दिन साथ रहने वाले थे ना, ये क्या है? नाना रोटी नती आपल्या बरोबर? परमधाम ओल्ड एज होम इथे का? ये लीजिए भैया। ओके अरे भाई आ एड्रेस कई बाजू यहां से लेप लेना फिर राइट वहीं पर है ये घर। थैंक यू। ओके For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.